सर, राष्ट्रीय क्रांतिकारी पार्टी आज धरने पे है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, आज हम लोग एक दिवसीय धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि पूरे देश में एक गलत मैसेज लोगों द्वारा डाला जा रहा है। जो देश हित में पार्टियां, वो देश की बात नहीं करती हैं। आज ये जो नागरिक ये जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, नागरिक संशोधन बिल, तो नागरिक संशोधन बिल ये सभी देशवासियों के हित में है। इसमें सिर्फ यही रखा गया है कि देश के बाहर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे इंडिया में आता है तो वो घुसपैठिए के आधार पर ना आवे। आज जैसे पाकिस्तान में की स्थिति यह है कि हिंदुओं के लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, वो कहाँ जाएँ? और ऐसी स्थिति में वहाँ का न मानवाधिकार काम कर रहा है, न हमारे देश के जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक दल जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, अन्य पार्टियां, देखिए अभी दिल्ली में किस तरह से जामिया कॉलेज से लेकर के सभी कॉलेजों में हिंसा फैला रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग इनका आज समर्थन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि देश की अगर कोई भी बात होगी तो उस हिसाब से हम लोग सरकार के साथ हैं।